This conference will now be recorded. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. आज का एजेंडा हमारी क्लास का है ऑपरेटिंग लीज। ठीक है बच्चे, इंशाल्लाह जी बच्चे, आज का एजेंडा बच्चे हमारी क्लास का ऑपरेटिंग लीज। हमें ऑपरेटिंग लीज को अच्छे तरीके से समझना। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे बच्चे, मैं टेस्ट भी सॉल्व करवा दूंगा। जब आपको इंशाल्लाह टेस्ट चेक होके वापस मिलेंगे, मैं टेस्ट भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। आप लोग टेस्ट सॉल्व करके आप लोगों ने पीडीएफ की फाइल बना के अपलोड कर दी है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरी की है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर चुके हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जल्दी मैं भी क्वेश्चन समझाऊंगा, ठीक है ना। वो मैंने करवाना है, क्लास में करवाना है एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, कॉर्ड्स ऑटो वाला मैं करवा चुका हूँ आपको, और दूसरा क्वेश्चन मुझे क्लास में आपको सॉल्व करवाना है। तो उस चीज से आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, ऑपरेटिंग लीज की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी। हमने कहा था ऑपरेटिंग लीज एस ऐसी लीज होती है जिसमें सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता फ्रॉम लेसर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म। ऐसी लीज को कहते हैं ऑपरेटिंग लीज। सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होता फ्रॉम लेसर टू लेसी, ठीक है ना बच्चे। जब लीज कमेंस होती है, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया फ्रॉम लेसर टू लेसी फाइनेंस लीज। अगर एट कमेंसमेंट डेट सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ लेसर से लेसी को, तो वो कौन सी लीज है, ऑपरेटिंग लीज। अच्छा बच्चे, यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे आप लोग पढ़ रहे थे मेरे साथ फाइनेंस लीज, और फाइनेंस लीज पढ़ते हुए आप लोगों में से किसी बच्चे ने सवाल भी मेरे से पूछा था, कहा था सर ये लीज एट द एंड ऑफ लीज पीरियड, ये एसेट तो ट्रांसफर नहीं हो रहा लेसर से लेसी को। तो मैंने आपको वहां पे ये बात समझाई थी कि अगर एट द एंड ऑफ लीज पीरियड एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहा तभी वो फाइनेंस लीज हो सकती है, आपको याद रखना है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड एट द एंड ऑफ लीज टर्म ट्रांसफर हो रहा होता है। तो अब ये अगर मैं ऐसी गलत स्टेटमेंट बोल दूं तो आपने मेरी वहीं पे करेक्शन कर देनी है, नहीं सर सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर लीज एग्रीमेंट के टाइम पे अगर लेसर टू लेसी हो जाए फाइनेंस लीज, और अगर ना हो तो फिर ऑपरेटिंग लीज। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। और फाइनेंस लीज में हमने ये भी कहा था कि ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हो भी सकती है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं भी हो सकती, और उसके लिए हमने 5+3 कंडीशंस डिस्कस की थी। उनमें से 5 कंडीशंस हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हों, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन है 27। पूरी ऑपरेटिंग लीज की वर्किंग समझाऊंगा क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हो। जहां पे आपको दिक्कत हो आप मेरे से पूछ लीजिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा वेट जरूर कीजिएगा क्वेश्चन पूछने से पहले, शायद हो सकता है इसका जवाब हमारी अगली बात में मौजूद हो, ठीक है। तो
तो जब ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाए फिर उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे फ्लिंट ऑफ एंटर्ड इनटू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट विद बेल लिमिटेड। फ्लिंट ऑफ का बेल लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ और लीज से रिलेटेड हुआ। लीज की जो टर्म है वो आपको बताने लगे हम। एसेट परचेज किया January 1, 2005 पे ₹10,000। लीज कमेंस हो रही है January 1, 2005 पे। लीज का पीरियड है 4 इयर्स और यूजफुल लाइफ है 8 इयर्स। हम यहाँ पे ये अज्यूम करेंगे ये यूजफुल लाइफ ही इकोनॉमिक लाइफ, जब हमें क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन तो हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि ये यूजफुल लाइफ ही क्या है, इकोनॉमिक लाइफ है। एनुअल रेंटल पेबल और एडवांस में, एडवांस में आपने रेंट पे कर स्टार्ट ऑफ द पीरियड 4,000 आपने पे करना है January 1, 2005, January 1, 2006 में 3,800, 2007 में 3,600 और 2008 में 3,500। और आपसे कहा जा रहा है जनरल एंट्रीज पोस्ट करनी है ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005, 6, 7 और 8 और फ्लिंट ऑफ की बुक्स में। ठीक हो गया जी बच्चे? जी आप यही समझे कि हम लेसर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेसर की किताबों में एंट्रीज पोस्ट करने हैं। अब बच्चे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं, सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा। जी बच्चे लो वैल्यू एसेट के लिए भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। मैंने आपको शायद याद होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसकी करीब करीब वर्किंग आपस में मिलती जुलती है। ठीक है, तो ये मैं आपको ऑपरेटिंग लीज के पर्सपेक्टिव से ये बात समझा रहा हूँ। जब मैं आपके साथ शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट लीज का कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा तब मैं आपको ये डिटेल कॉन्सेप्ट समझा। अभी हम ये लेसर के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर, ठीक है जी बच्चे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली वर्किंग, पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि आया ये लीज ऑपरेटिंग लीज है या ये लीज फाइनेंस लीज। आपने पहले ये डिसाइड करना है, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आपने ये फैसला करना है, आपका ये डिसीजन है आया ये लीज ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज। ठीक है जी बच्चे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं। हमें पता कैसे चला? हमने इसके बारे में जरा सोचना है। हमारे सामने ये क्वेश्चन मौजूद है, अब इस क्वेश्चन से वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। जी बच्चे सबसे पहला काम, सबसे पहला काम है जी बच्चे, क्या इस क्वेश्चन में ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का बताया हुआ है? शाबाश, तो मैं कह देता हूं नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। देखिए मैं पूरा पैरा अप्लाई कर रहा हूं आपके साथ।
ठीक है जी बच्चे, नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप नहीं हो रही है। अच्छा बच्चे सेकंड वन, आप इस क्वेश्चन को पढ़ के मुझे बताइएगा क्या इस क्वेश्चन में परचेज ऑप्शन का कॉन्सेप्ट मौजूद है। नो सर, वो भी नहीं है। देखिए पांचों की पांचों कंडीशंस जो हमने पढ़ी हुई हैं वो मैं अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे, जिससे हम ये फैसला कर सकें कि वेदर द लीज कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग लीज और अ फाइनेंस लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ लेसर। अच्छा बच्चे अब थर्ड वन, आपको याद रखना है मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट है भी या नहीं, याद है ना आपको ये बात, मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट 4/8 मल्टीप्लाई बाय 100, 50% लेस देन 75%, नॉट फॉर मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट। जो लीज टर्म है ना, पूरी बात कर देते हैं, लीज टर्म नॉट फॉर मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई, किसी बच्चे को इन तीनों पॉइंट्स में से किसी भी एक पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, ये आपको याद होगा हमने पैरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है 63 आई थिंक सो, उसमें ये बातें हम लोगों ने डिस्कस की, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे मुझे बताइएगा। याद रखना है पेपर में सवाल आ चुका हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे करते ये है कि वो इसकी कंडीशंस अप्लाई करते कोई नहीं है, सीधा सवाल शुरू कर देते, उन्हें यही नहीं पता चलता ये फाइनेंस लीज का क्वेश्चन है या ऑपरेटिंग लीज का, क्वेश्चन खराब हो जाता सारे का सारा। लेसर का क्वेश्चन आए तो बच्चे अगर तो जैसे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप हम क्वेश्चन कर रहे थे लेसर का क्वेश्चन, फाइनेंस लीज का स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता चल जाता था फाइनेंस लीज है, जैसे हम पहली वर्किंग करते थे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की, हमें वहीं से पता चल जाता था वो अप्रोक्सीमेटली फेयर वैल्यू के इक्वल होती थी। लेकिन देखो बच्चे जब ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन आया हर बात वाजे नहीं है, टेस्ट परफॉर्म करो बच्चे, क्यों अपने मार्क्स जाया करते हो क्लास वो जब एग्जाम में सर, ये तो सॉल्यूशन के अंदर जितने भी टेस्ट हैं वो सारे के सारे, हाँ अगर तो क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन में कह दिया ऑपरेटिंग लीज है मान लो उसकी बात पे, जब नहीं कहा फिर आपको करना पड़ेगा ये काम। ये क्वेश्चन मैंने डिजाइन गो के लो वैल्यू एसेट के लिए किया होगा, शॉर्ट टर्म लीज के लिए किया होगा, लेकिन मैं ये आपको सिर्फ समझाते हुए इसकी फिगर्स मुझे लेनी है, उसकी कैलकुलेशन समझानी, इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, ये सिर्फ टेस्ट लिस्ट में परफॉर्म करवाने, एंट्रीज में इसकी नहीं करवाऊंगा, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी आपके लिए क्योंकि ये एडवांस का केस। वर्किंग में करेंगे सर, सॉल्यूशन में नहीं करेंगे ना? सॉल्यूशन में हसनैन बच्चे तब करेंगे जब हमसे वो सवाल पूछ ले, बताओ ये लीज कौन सी है, वो एग्जामिनर पूछ सकता है, वो आपसे ए पार्ट बनाए हो के बनाए ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है विद रिस्पेक्ट टू अ लेसर। जी सर, फिर सर हम ये फिर यही सर सॉल्यूशन में लिख देंगे ना फिर, ठीक है सर। बात समझ आ गई आपको मेरी? जी सर। जी बच्चे, बच्चे फोर्थ वन टेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, याद है ना ये बात। अब बच्चे आपके सामने ये क्वेश्चन मौजूद है, सही है? अब मुझे बताइएगा क्या हम इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? सर ये सेम इंटरवल की नहीं है, आंसर नहीं कर सकते सर, सेम अमाउंट होनी चाहिए थी। हमें उसने इंप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही प्रोवाइड नहीं किया होगा,
रेंटल की अमाउंट पे डिपेंड है सर। ठीक हो गया ना बच्चे, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही प्रोवाइड नहीं किया हुआ। अगर इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देता हम कैलकुलेट कर लेते। अभी मैं यहां पे इस बात की अजम्पशन ले रहा हूं कि ये इक्वल नहीं है, ठीक है ना बच्चे। मैं कहता हूं ये, मैं अज्यूम खुद से कर रहा हूं कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू फेयर वैल्यू। नहीं हसनैन शहबाज बच्चे, अभी एक क्वेश्चन और करवाता हूं, उसमें आपको कैलकुलेशन प्रॉपर समझा दूंगा, अभी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। वैसे आपने जो पॉइंट आउट किया ना ये बात ठीक है आपकी, लेकिन जब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ इंशाल्लाह मैं आपको ये दोबारा से बात समझाता हूँ अच्छे से। अच्छा फिफ्थ वन टेस्ट क्या था? स्पेशलाइज नेचर। बताए क्या इस क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है कि जो एसेट है, अंडरलाइंग एसेट है, वो स्पेशलाइज नेचर क्या है? नो सर, कहीं भी नहीं बताया। नो सर, नहीं बताया। बिल्कुल नहीं बताया हुआ। तो ये कौन सी लीज बचे हैं? ऑपरेटिंग लीज। याद करें हमने क्या कहा था कि अगर कोई भी कंडीशन पूरी ना हो तो फिर ऑपरेटिंग लीज है, और अगर कोई एक भी कंडीशन पूरी हो गई वो फाइनेंस लीज होगी। याद है ना आपको मेरी बातें? ठीक है जी बच्चे, अब इसी की दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन मैं ओपन कर रहा हूं, इसी की अगेन हम प्रैक्टिस करते हैं। जी बच्चे ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18। अब आप लोगों ने पहले प्रैक्टिस करनी है, मैं आप लोगों को 5 मिनट्स प्रोवाइड करूंगा, फिर उसके बाद मैं ये बात समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18, कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी 2009, कॉस्ट एसेट की है 15 मिलियन, यूजफुल लाइफ है 6 ईयर्स, लीज टर्म है 3 ईयर। यूजफुल लाइफ को ही हम अज्यूम करेंगे इकोनॉमिक लाइफ। एनुअल रेंटल पेएबल इन एडवांस 4 मिलियन, रिड्यूस होगा 5% एनुअली, हर ईयर एंड इज 31 दिसंबर। आपने सिर्फ ये बताना है ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। जल्दी से कीजिएगा इस क्वेश्चन, 5 मिनट है आप सब लोगों के पास। जैसे मैंने टेस्ट परफॉर्म किया वैसे ही आपने करने हैं। मैंने ओपन कर दिया, ये ले ये आपके सामने, 5 मिनट के अंदर अंदर करें। मुझे ओपन कर देना हमारे सर सामने, क्वेश्चन दिखा देना सर। क्वेश्चन ओपन कर दूं? जी मैं क्वेश्चन ओपन कर यस देता हूं सर। बच्चे, ये लीजिए। अली मलिक मैं बच्चे अभी समझाता हूं, शेराज बच्चे मैं इस क्वेश्चन को जब दोबारा से समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बच्चे सॉल्व कर रहे हैं थोड़ा
तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, वेट करें, सिर्फ 3 मिनट आई थिंक सो रह गए हैं हमारे। आफ्टर 3 मिनट्स इंशाल्लाह आई विल रिपीट ऑल द स्टेप्स दैट आई हैव परफॉर्म टू डिसाइड वेदर दिस इज रिलेटेड टू फाइनेंस और ऑपरेटिंग लीज। ठीक है जी नूर अफजा, बिल्कुल ठीक है राबिया, बिल्कुल ठीक है बच्चे, आपने बिल्कुल सही पिक किया बच्चे। बिल्कुल सही हो गया जी, जज़ाकुल्लाह खैर। जी आफाक साहब आपने भी कर लिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी कंवर साहब ने भी कर लिया माशाल्लाह, तहजीब साहब भी कर चुके हूं मैं जी, ऑपरेटिंग लीज है जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी। जी बच्चे नूर अफ़ज़ा बच्चे मैं भी समझाता हूँ, ठीक है जी मुस्तजाब साहब जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी हसनान हसनैन शबाज साहब माशाल्लाह जी, ठीक हो गए बच्चे, ठीक है जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। हसनैन शबाज साहब ने जी 5 मिनट पहले ही कर लिया था इस क्वेश्चन को सॉल्व। सर आफाक पता है बच्चे आपका मैसेज रह गया, आपका मैसेज सबसे पहले आया था, पढ़ने से रह इस तरह से गया कि शेराज साहब का मैसेज आया था कि मीटिंग अनलॉक हो गई थी, मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, आप काइंडली इन तमाम स्टेप्स को रिपीट कर दें। उनका मैसेज कहीं आपके बाद फौरन बाद आया तो मैं उनका मैसेज पढ़ते हुए आपके मैसेज को इग्नोर कर इस वजह से, अदरवाइज कोई रीजन नहीं थी। इसीलिए आपको रिमाइंड करवाया सर दोबारा। नहीं मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकते। मैं भी आपको साथ ये इसके सारे स्टेप्स दोबारा परफॉर्म करने लगा हूँ, अब आप देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन हम 18 डिस्कस करने वाले, क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहला, नो इंडिकेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मुझे बताइएगा कोई इंडिकेशन है इस क्वेश्चन में ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप की? नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया जी शाबाश। नो इंडिकेशन ऑफ परचेज ऑप्शन, एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं, आपके सामने क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा इंडिकेशन मौजूद है? सर ये क्वेश्चन नंबर 27 है सर, 18 का करना है हमने। ओ सॉरी 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 जी बच्चे, ये आपके सामने क्वेश्चन है, क्या कोई दोनों इंडिकेशंस मौजूद है इसमें? नहीं है जी। नो सर। ठीक हो गया जी बच्चे। अच्छा जी बच्चे नेक्स्ट, थर्ड वन, मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट 3 इयर्स के लिए लीज टर्म है, हमें राइट मिला होगा, इकोनॉमिक लाइफ है 6 इयर्स मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 50%, दैट इज लेस देन 75%, ऐसा ही है ना जी? तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? Not for the major part of economic life of the asset. Lease term is less than for major part of the economic life of the asset.
अच्छा बच्चे अब फोर्थ वन स्टेप, अब फोर्थ वन स्टेप में आपको कंफ्यूजन हो रही है, अब इस बात को जरा समझिएगा। इसमें एनुअल रेंटल पेबल है बच्चे 4 मिलियन, एनुअल रेंटल पेबल है 4 मिलियन फर्स्ट ईयर। रेट इसमें भी नहीं है, 3 साल का है ना। ये देखिए मैंने ईयर लिख दिया 1, 2, 3। अब ये रेंटल की अमाउंट है, गौर करना है आप लोगों ने। रेंटल बच्चे फर्स्ट ईयर आपने पे करना है 4 मिलियन का, 4 मिलियन का रेंटल फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर रेंटल 4 मिलियन से डिक्रीज करना है 5%। अब वो कहता है हर साल रेंटल पिछले रेंटल की निस्बत 5% कम हो जाएगा। अच्छा अगर पहले साल 4 मिलियन है तो सेकेंड ईयर क्या होगा, 5% से इसे रिड्यूस करें। इसे 4 मिलियन का 94% लेना है आपने। आपने क्या करना है, डायरेक्ट 4 मिलियन इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके 95% से। तो बच्चों ने मुझे बताया जी ये फिगर बन रही है 3.8 मिलियन। आप yes, सभी sir. लोग देख लीजिएगा ये फिगर बन रही है। यही है सर। अच्छा अब नेक्स्ट ईयर क्या है, आपने 4 मिलियन का नहीं, अब 3.8 मिलियन का फर्दर 95% बच्चे आपने कैलकुलेट करना है। उसने कहा हर साल 5 मिलियन रिड्यूस होगा प्रीवियस रेंटल से। 3.61 मिलियन सर जी बच्चे, 3.610 जी बच्चे, ये फिगर। अच्छा बच्चे अब टोटल ये लीज रेंटल की अमाउंट मुझे बता दीजिएगा। डबल 1414 जी बच्चे, ये फिगर बन गई। अब ये टोटल लीज रेंटल्स की अमाउंट है, या मैं इसे कह देता हूं लीज पेमेंट्स की अमाउंट। एग्री करते हैं ना आप लोग मेरे से? यस सर। चले जी यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट बताइएगा, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट कितनी है? 15 मिलियन है सर। शाबाश, फेयर वैल्यू एसेट की है 15 मिलियन और ये अमाउंट है लीज रेंटल की, लीज पेमेंट्स की। अब मुझे बताएं अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर दूं, मुझे अगर पता हो इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो क्या इसकी प्रेजेंट वैल्यू 11.41 से फर्दर कम नहीं निकलेगी? यस सर, डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ आ गई ना? अगर मैं इसकी लीज पेमेंट से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट करूं, अगर मेरे पास इंप्लिसिट रेट होता है, तो ये तो फर्दर डिक्रीज होनी है। ये तो ऑलरेडी फेयर वैल्यू से बहुत कम है, कम से कम ये 95% होती फेयर वैल्यू की। ये तो 95% टोटल वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसको डिस्काउंट करूंगा ये तो और कम होगी। इसका मतलब ये भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही है। तो मैं सिंपल क्या लिख दूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डज नॉट इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई आप सब लोगों को? ये कॉन्सेप्ट अब मैं सबको समझा पाया हूं, जिन जिन बच्चों को, बल्कि सबको कंफ्यूजन थी इस पॉइंट में। अगर मैं इससे फर्दर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट कैलकुलेट करूंगा, इसे डिस्काउंट करूंगा, तो डिस्काउंट करने से ये वैल्यू फर्दर डिक्रीज कर जाएगी। ये तो ऑलरेडी 95% ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट नहीं है, इसके डिस्काउंट के बाद तो ये वैल्यू फर्दर डिक्रीज हो जाएगी। ये तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट का 95% नहीं बन पाएगी। तो ये वैसे ही conditions, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट डज नॉट इक्वल टू या डज नॉट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। तो ये कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही। अच्छा बच्चे आपके सामने ये क्वेश्चन मौजूद है, एसेट स्पेशलाइज नेचर का है ना,
क्वेश्चन में बताया हुआ है ना उसने? सर नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। शाबाश, एसिड है ही नहीं ऐसा स्पेशलाइजेशन का, तो हम क्या कह देते हैं, नो इंडिकेशन। तो अब कौन सी लीज है, तो हम क्या डिसीजन देंगे अब? ऑपरेटिंग लीज सर। देयर इज नो इंडिकेशन या कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही जितनी भी हमने अप्लाई की है, सो द लीज इज ऑपरेटिंग लीज। ये कौन सी लीज है? ऑपरेटिंग लीज है। ये कौन सी लीज नहीं है? ये फाइनेंस लीज नहीं है। ठीक होगा जी बच्चे? अच्छा जी, अब इस ऑपरेटिंग लीज के क्वेश्चन को हम सॉल्व करना सीखने लगे। ये काम तो आप सब लोगों ने पहले ही कर लिया, यहां तक तो आप लोग ऑलरेडी खुद से कर चुके हुए हो, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें बच्चे पहला काम, हमें ऑपरेटिंग लीज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए एक वर्किंग मैं दोबारा आपके सामने करने वाला हूं। वो वर्किंग क्या करनी है? पहली वर्किंग आपको ये करनी है, वर्किंग नंबर वन, आपको ईयर और रेंटल की अमाउंट लिखनी है। ईयर वन में रेंटल पे करना है 4 मिलियन, ईयर टू पे रेंटल पे करना है 4 मिलियन रिड्यूस्ड बाय 5%। अच्छा, एग्जामिनर किसी क्वेश्चन में ये भी कह सकता है इंक्रीज्ड बाय, तो याद रखिएगा अगर इंक्रीज बाय कहेगा 5% इंक्रीज बाय, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 105%। बिल्कुल ठीक, 105% से बिल्कुल ठीक हो गए, शाबाश। तो अब आपको पता चल गया कि क्वेश्चन में आपने ध्यान से पढ़ना है, एग्जामिनर आपको इंक्रीज बाय भी कह सकता है, डिक्रीज बाय भी कह सकता है, या एग्जामिनर रेंटल्स की अमाउंट आपको खुद से स्पेसिफिकली प्रोवाइड भी कर सकता है, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। अच्छा बच्चे, थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में जो प्रीवियस रेंटल है उसका डिक्रीज बाय 5%, इसका भी आपने 95% कैलकुलेट करना। ये फिगर आपने मुझे कैलकुलेट करके बताई, 3.610 मिलियन। आपने टोटल किया 11.41 मिलियन, टोटल ये रेंटल की अमाउंट है। लेसर का क्वेश्चन है, लेसर को कितने पैसे रिसीव होने हैं 3 सालों में, मुझे साथ साथ बताते जाइएगा ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर होता जाए। लेसर को 11.410 मिलियन, बिल्कुल 11.410 पैसे रिसीव होने हैं मिलियन में। अब IFRS 16 कहता है कि देखें, लेसर को पहले साल 4 मिलियन मिलना है, दूसरे साल 3.8 मिलियन मिलना है और तीसरे साल 3.61 मिलियन मिलना है। उसको जैसे मर्जी पैसे मिले, लेकिन उसकी इनकम आपने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है। इनकम आपने किस बेसिस पे रिकॉर्ड करनी है? स्ट्रेट लाइन बेसिस पे उसकी इनकम रिकॉर्ड करनी है। हमने कहा स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैसे रिकॉर्ड होगी? IFRS 16 ने कहा बहुत आसान है, हमने कहा बताएं, फिर उन्होंने हमें बताया, उन्होंने कहा 11.41 मिलियन ये टोटल रेंटल की अमाउंट है। हमने कहा जी बिल्कुल ठीक हो गया, ये बिल्कुल यही रेंटल की अमाउंट है। उन्होंने कहा जितने सालों में आपको ये पैसे मिलने हैं आपने नंबर ऑफ ईयर से इसे डिवाइड कर लेना, हमें ये पैसे 3 साल में मिलने, तो टोटल लीज रेंटल की अमाउंट को आपने टोटल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर लेना। अब ये रेंटल की अमाउंट, इनकम की अमाउंट स्ट्रेट लाइन बेसिस पे जैसे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करनी है, ये कैलकुलेट हो जाएगी। बताइएगा बच्चे कितनी फिगर बन रही है?
380-3333. जी बच्चे मुझे बताइए आपने 380-3333 ये फिगर बता रहे हैं मुझे? यस सर। ठीक हो गया जी बच्चे। बच्चे इनकम हर साल लेसर अपनी बुक्स में इतनी अमाउंट से रिकॉर्ड करेगा, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करेगा। ये बात क्लियर हो गई? IFRS 16 ने क्या कहा, ऑपरेटिंग लीज में लेसर अपनी लीज रेंटल इनकम को ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस रिकॉर्ड करेगा। उसके लिए उसने क्या करना है, उसने टोटल रेंटल की अमाउंट कैलकुलेट करनी है और उसे डिवाइड कर देना है जितने नंबर ऑफ इयर्स में उसे ये अमाउंट रिसीव होगी। ये फिगर बच्चे बन गई 380-3333। क्लियर हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी? अच्छा बच्चे मुझे, मैं आपको एक एग्जांपल देता, मैं आपको एक एग्जांपल से बात समझाता हूं, मुझे एक बात आप लोगों को समझनी है। बच्चे आपने एक प्लांट एंड मशीनरी, आपने नहीं, किसी एक लेसी ने, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने बैंक से एक प्लांट लीज पे ले लिया 3 साल की मुद्दत के लिए। बैंक ने कहा कि आप पहले साल मुझे 4 मिलियन देंगे, बैंक लेसर है, दूसरे साल आप मुझे 3.8 मिलियन रुपीस पे करेंगे, मैं रिसीव करूंगा आपसे 3.8 मिलियन, थर्ड ईयर ऑर्गेनाइजेशन आपको मुझे 3.61 मिलियन पे करने होंगे। अब मेरा आपसे सवाल ये है, क्या वो जो लेसी या वो ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्लांट बैंक से लीज पे लिया हुआ है, क्या वो इन 3 सालों में उस एसेट से जो बेनिफिट हासिल करेगी, क्या वो सेम बेनिफिट नहीं है? सर समझ नहीं आई। हाँ, हम इससे ये तो नहीं बाइफरकेट कर सकते, हो सकता है उसको एक साल प्रॉफिट ज्यादा हो जाए, दूसरे साल कम हो जाए, लेकिन क्या हम एट लीज कमेंसमेंट डेट में ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसी यॉर्डस्टिक है? रेंटल वो जो मर्जी डिसाइड कर, एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। आपको रेंटल इनकम आप जिस तरह से मर्जी रिसीव करें, फर्स्ट ईयर ज्यादा करें, दूसरे साल उससे कम रिसीव करें, या तीसरे साल उससे भी कम रिसीव करें, या आप ऐसा करें पहले साल कम लें, दूसरे साल उससे ज्यादा लें, तीसरे साल उससे भी ज्यादा लें, आप जैसे मर्जी इनकम रिसीव करें, हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है। कैश आपने है ना रिसीव करना, लेकिन आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है ना इनकम को, वो स्ट्रेट टाइम बेसिस में ज्यादा बेहतर है। या इसके अलावा अगर आपके पास कोई और अच्छी मेजरमेंट हुई तो आप वो भी यूज कर सकते हो, अच्छी बेसिस इसके अलावा आपके पास है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपने याद रखना एग्जाम में आपके पास कोई इससे बेहतर बेसिस नहीं है, आपके पास सिर्फ एक ही बेस है और वो क्या है, स्ट्रेट लाइन बेसिस, आपने इसी पे रिकॉर्ड करना है unless otherwise specified by the examiner, जब तक के examiner आपको खुद नहीं कह देता कुछ हो, और examiner इसके अलावा क्या ही नहीं रहा कुछ भी, examiner straight line basis पे calculation करवा रहा। सर ठीक है बच्चे, इसकी reason बच्चे मैं यही बता रहा हूँ ना, क्योंकि हर साल जो lesser है उसको benefit, जैसे उसने plant आपको provide कर दिया, अब lesser operating lease में depreciation charge करेगा और वो straight line basis पर depreciation charge कर रहा है, तो ये उसके लिए स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इनकम रिकॉर्ड करना ज्यादा, जैसे एक लैंडलॉर्ड है उसने एक घर किराए पे दे दिया अपने किसी टेनेंट को, अब वो टेनेंट उस घर को इस्तेमाल कर रहा है और उसका रेंट पे कर रहा है, तो क्या लैंडलॉर्ड को पहले साल उसका ज्यादा बेनिफिट होगा, दूसरे साल उससे ज्यादा? ऐसा तो नहीं होता ना, वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे उस इनकम को रिकॉर्ड करता। सर एक सवाल है जी, जी पूछे बच्चे। सर ये हमने रिकॉर्ड करना स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इनकम को, जो हमने निकाली 3.803 मिलियन के हिसाब से, तो सर हमें रेंटल आ गया हमें 4 मिलियन, तो जो एक्सेस अमाउंट है ऊपर उसको उसका क्या करना है फिर?
जी वो अनअर्न बन जाएगी ना इनकम। अभी मैं एंट्रीज करवाता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। उसको सर एंट्रीज में लाइब्रेरी एंट्रीज में ऐड करवाते करें। हैं ठीक है, अभी एंट्रीज करवाऊंगा आपको ये सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अच्छा आप सवाल क्या है, आप सिर्फ ये बात समझ लें, IFRS 16 ने ये कह दिया कि आपने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेंटल इनकम को रिकॉर्ड करना है। आपको बात समझ में आ गई, स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रेंटल इनकम को रिकॉर्ड करना है। रीजन हमने लॉजिक जो थी वो थोड़ी सी डिस्कस कर ली। दूसरी बात, मेरा आपसे सवाल ये है, इस सिचुएशन के अंदर हमें लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? जवाब जरा सोच समझ के दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा सभी लोग ने। सर रेट ही नहीं है तो सर कैसे बनाएंगे? नहीं, रेट मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ये रीजन नहीं है। एसेंस आप ठीक है, एसेंस आपने कहा जी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, रीजन क्या है? सर सर स्ट्रेट लाइन बेसिस है तो फिर नहीं करेंगे जी। हफ्सा नूर ने कहा नहीं करेंगे, जी नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक होगा जी। अच्छा वो सर नहीं करेंगे, इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि देखे याद करें, हमने कहा था कि फाइनेंस लीज के अंदर सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो गया था। अब जब लेसर से लेसी को ट्रांसफर हो गया था तो अब लेसी रेंटल पे कर रहा था लेसर को, और रेंटल में कुछ पार्ट वो प्रिंसिपल की सूरत में पे कर रहा था और कुछ पार्ट इंटरेस्ट की सूरत में पे कर रहा था, कुछ उस एसेट की वैल्यू के अगेंस्ट पे कर रहा था और कुछ उसको उसके ऊपर एडिशनल अमाउंट पे कर रहा था, क्योंकि उसकी पेमेंट वो उस टाइम पे नहीं कर रहा था। जैसे जैसे वो पेमेंट पे करता जा रहा था उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा था, एडिशनल अमाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी की सूरत में पे कर रहा था। इस सिचुएशन में ऑपरेटिंग लीज के केस में रिस्क एंड रिवॉर्ड जो सब्सटेंशियल होता है, लेसर टू लेसी ट्रांसफर ही नहीं हो रहा, इसमें तो लेसी सिर्फ और सिर्फ किराया दे रहा है, रेंटल पे कर रहा है उस एसेट के इस्तेमाल करने का, वो तो उस एसेट की कॉस्ट पे ही नहीं कर रहा, क्योंकि एसेट का जब उसको रिस्क एंड रिवॉर्ड ही ट्रांसफर नहीं हुआ, ऑनरशिप ही उसको नहीं मिली, तो वो किस चीज का उसको उसके बदले में वो उसकी कॉस्ट का पार्ट पे करेगा? लेसर कैसे रिकॉर्ड करेगा कि मुझे एसेट के अगेंस्ट इतने पैसे रिसीव हो रहे हैं, ठीक है ना, वो तो सिर्फ ये लिखेगा कि मुझे रेंटल रिसीव हुआ। अच्छा अब जब आपको कॉस्ट का पार्ट भी नहीं मिल रहा और इंटरेस्ट को बायफरकेट नहीं करना, जब आपको कॉस्ट और इंटरेस्ट में बायफरकेट नहीं करना, लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल का तो मकसद ही सिर्फ यही था ना कि वो रेंटल को प्रिंसिपल में और इंटरेस्ट में बायफरकेट कर देता था। जब हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में बायफरकेट ही नहीं करना तो फिर हमें जरूरत नहीं है लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने की। ये रीजन होती है जिस वजह से हम ऑपरेटिंग लीज में लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं बनाते, ठीक है जी बच्चे। ऑपरेटिंग लीज में हम लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल इस वजह से नहीं बनाते क्योंकि हमें रेंटल को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में बायफरकेट नहीं करना होता, ठीक है जी बच्चे। तो इस सिचुएशन में हम लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल नहीं बनाएंगे। अच्छा अब इसके बाद एक तीसरी बात, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसर से लेसी को ट्रांसफर नहीं हुआ, एसेट किसकी की किताबों में, लेसर की बुक्स में ही, तो डेप्रिसिएशन कौन चार्ज करेगा? लेसर करेगा सर, नहीं लेसी तो करता ही करता है यूज एसेट में, उससे कंफ्यूजन ना क्रिएट कीजिएगा, मैंने सवाल जरा गलत तरीके से पूछ लिया, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। लेसर की बुक्स में एसेट मौजूद है, लेसर ने उस एसेट को डीरेकग्नाइज नहीं किया, क्या लेसर इस सिचुएशन में डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा या नहीं करेगा? लेसी को इग्नोर कर, बिल्कुल करेगा, शाबाश, बिल्कुल करेगा सर। आपने याद रखना है फाइनेंस लीज के केस में लेसर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करता, ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, बिल्कुल ठीक है। अब आपको बात समझ में आ गई, अब मैं एंट्रीज करवाने लगा हूं, जरा गौर से देखिएगा, डेट्स आपके सामने है, पहली है 1 जनवरी 2019, एसेट को बाय किया गया, तो आपने सबसे पहले एंट्री पोस्ट करनी है 1 जनवरी 2009, एंट्री पोस्ट करनी है बच्चे, एसेट को डेबिट करना है कितने से,
15 मिलियन से और बैंक को या पेएबल को बचे आपने क्रेडिट कर देना। हम यहां पे बैंक को क्रेडिट कर रहे हैं 15 मिलियन से। एनालिसिस क्या हुआ, इंक्रीज इन एसेट साथ ही साथ डिक्रीज इन एसेट। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, यकम जनवरी 2009 एडवांस में रेंट पे करना है ना, ये देखिएगा रेंट कब पे करना है, पेबल इन एडवांस, एडवांस की सिचुएशन में रेंट पे करना है। तो अब लेसर रेंट रिसीव कर रहा है, लेसर एंट्री पोस्ट करेगा बैंक डेबिट, और कितने पैसे उसको मिल रहे हैं 4 मिलियन, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो 4 मिलियन उसको पैसे मिल जाएंगे। अच्छा बच्चे अनअर्न्ड रेंट इनकम कितने से बचे, 4 मिलियन से क्रेडिट कर देते। एनालिसिस क्या हुआ बच्चे, इंक्रीज इन एसेट अनअर्न्ड के और साथ नहीं साथ जी दोबारा पूछिएगा बच्चे, मुझे आपकी आवाज नहीं सही समझ में आई थी, आपने क्या पूछा बच्चे? सर जी अनअर्न्ड इनकम से लिखा आपने, अनअर्न्ड इस वजह से लिखा ना क्योंकि लेसर के भी इनकम तो नहीं बनी, उसको पहले ही दिन एडवांस में उसने लीज पे एसेट दिया और साथ ही उसका रेंट ले लिया। जी ठीक है सर, इसको एडवांस रेंट भी कह सकते हैं, अनअर्न्ड भी कह सकते हैं, एडवांस भी कह सकते हैं। जैसे घर का किराया है ना, आपने किराया अगर पहले ही दिन दे दिया, जब पहले ही दिन दे दिया तो इसका मतलब अभी आपने उस घर से एक माह के लिए बेनिफिट तो भी हासिल नहीं किया, उससे फायदा तो नहीं लिया, तो वो तो आपका अभी एक्सपेंस बना ही नहीं था, एक्सपेंस बनने से पहले ही आपने पे कर दिया, आपके लिए होगा प्रीपेड एक्सपेंस। और जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए क्या बन जाएगा, उसकी तो भी इनकम ही नहीं बनी, उसने पहले ही एडवांस में वो किराया वसूल कर लिया, उसके लिए बच्चे बन जाएगी अनअर्न्ड रेंट इनकम। ठीक है ना बच्चे, अब देखें अभी आपको बात क्लियर हो गया। सर इसको लीज़ 2009 जी बच्चे कह सकते हैं, लीज रेंटल इनकम भी कह सकते हैं। अच्छा बच्चे अब 31 दिसंबर 2019 में, सॉरी 2009 में ये क्या इनकम अर्न हो गई है, तो अब क्या करेंगे अनअर्न्ड, आपने क्या करना है डेबिट कर देना है अनअर्न्ड। एक मिनट बच्चे, आपका सवाल है बच्चे देखो, इस क्वेश्चन के अंदर बच्चे वो कह रहा है कि उसने एसेट खरीदा, ये जरूरी थोड़ी है कि बैंक के पास वो एसेट ऑलरेडी मौजूद हो, हो सकता है कि उसके पास एक कस्टमर आया, उसने कहा मुझे प्लांट लीज पे दे दो और 3 साल की लीज है, आप मुझे प्लांट दे दो। अब ये जरूरी थोड़ी है कि बैंक के पास वो प्लांट मौजूद हो, बैंक क्या कहेगा कि ठीक है मैं आपको लीज पे प्रोवाइड कर दूंगा, बैंक पहले वो खुद खरीदेगा उसके बाद उन्हें लीज पे प्रोवाइड कर देगा। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट अगर हमें गिवन है तो इसका मतलब हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि उसने पहले एसेट को खुद खरीदा 15 मिलियन का यकम जनवरी 2009 को और उसके बाद उसको लीज पे दे दिया ऑपरेटिंग लीज। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे अनअर्न्ड, इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे अनअर्न्ड रेंट इनकम को डेबिट करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे एक खास ख्याल रखना है, आपने अब वो अमाउंट जो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे इनकम की रिकॉर्ड करनी है उससे इसको अब डेबिट करना है और क्रेडिट बचे इनकम को रेंटल इनकम को आपने कर दे। अब लीज रेंटल इनकम लिखना चाहते हो तो वो लिख लो, थ्री एट जीरो थ्री ट्रिपल थ्री। बच्चे इसका एनालिसिस क्या हुआ, इसका एनालिसिस हुआ एक लायबिलिटी हमारी डिक्रीज कर गई, दूसरी तरफ हमारी इनकम बन गई। ये साल भर मुकम्मल हो गया, अब एक साल मुकम्मल होने के बाद आपने इसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन बच्चे डेबिट करेंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को बच्चे क्रेडिट करेंगे। आपने डेप्रिसिएशन मुझे कैलकुलेट करके खुद से बतानी है, बताएं जरा डेप्रिसिएशन की अमाउंट कितनी बनेगी।
2.5 मिलियन सर 2.5 मिलियन सर जी मैं करता हूं आप लोग मुझे बताइएगा फिगर है बच्चे 15 मिलियन इसको आपको डिवाइड करना है 6 ईयर यूजफुल लाइफ से आपने ऐसे ही किया यस सर 2.5 मिलियन बिल्कुल ठीक हो गया आपने बिल्कुल सही किया है यूजफुल लाइफ से डिवाइड करना सर जी जी बच्चे सर इस तरह तो फिर एक एसेट के अगेंस्ट दो दफा डेप्रिसिएशन बुक हो जाएगी लेसी भी करेगा लेसी भी करेगा नहीं बच्चे दो दफा डेप्रिसिएशन ही बुक होगी देखिए जो लेसी है ना लेसी ने राइट रिकॉर्ड किया हुआ था उसका जैसे जैसे राइट कम होता जा रहा है क्या मतलब देखें लेसी ने 3 साल के लिए राइट ऑफ यूज ले लिया लेसर से उस एसेट के इस्तेमाल का हक ले लिया अब लेसी अपनी किताबों में उस एसेट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा राइट ऑफ यूज के जी उस एसेट को 3 साल इस्तेमाल का हक मिल गया अब लेसी कहता है कि मुझे इस एसेट को इस्तेमाल करने से इतना बेनिफिट मिलेगा वो राइट ऑफ यूज एसेट है उसका अच्छा जब पहले साल उसने इस्तेमाल कर लिया तो इसका मतलब है जितना उसको राइट मिला था उसमें से पहले साल का राइट खत्म नहीं हो गया वो रिसोर्स उतनी अमाउंट से डिक्रीज नहीं कर गया उसने उतने से डिक्रीज कर दिया लेसर की किताबों में ये एसेट रिकॉर्ड था लेसर ने उस एसेट को डिक्रीज किया एसेट की डेप्रिसिएशन की चार्ज की है ठीक है ना बच्चे तो वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इसका डिफरेंट कॉन्सेप्ट इससे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं आपने सर ये ऊपर जो आपने एंट्री पास की है सर ये जरा दिखाइएगा मैं दोबारा बताता हूँ जी ये मैंने एंट्री पास की अनअर्नड रेंट उससे ऊपर अनअर्नड रेंट इनकम 4 मिलियन से हमने रिकॉर्ड की थी लेकिन हम डेबिट उसको 3803 से कर रहे हैं तो डिफरेंस कहां जाएगा सर डिफरेंस अनअर्नड रेंट में ही रहा ना अनअर्नड रेंट में ही रहा सर उसका कुछ नहीं करेंगे नहीं इस साल वो उसका क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिपोर्ट हो जाएगा अभी क्लियर ठीक है सर वो ईयर एंड पे हमने 3803 क्यों पास किया सर इसकी समझ नहीं है अफाक बच्चे देखें ये है अनअर्न रेंट का लेजर एंट्री क्या हुई बच्चे एंट्री ये हुई कि बैंक डेबिट किया आपने अनअर्न रेंट को क्रेडिट कर दिया कितने से बचे 4 मिलियन और ये काम आपने किया यकम जनवरी 31 दिसंबर को क्या किया आपने 31 दिसंबर को आपकी रेंट इनकम बन गई कितने से बचे 3803333 और रिमेनिंग बैलेंस कैरी डाउन बैलेंस आ जाएगा बच्चे 31 दिसंबर और वो रिमेनिंग बैलेंस कितना बन रहा है बच्चे कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा सर मैं यही तो पूछ रहा हूं कि ये रेंट इनकम 31 दिसंबर पे 3803 से क्यों बनी है सर क्योंकि हमने रेंट इनकम स्ट्रेट लाइन बेसिस से नहीं चार्ज करनी हमने पहले ही डिसाइड किया ये ऊपर इनकम हमने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड मैं वही बात बताने लगा हूँ कि आप एक मिनट सिर्फ मुझे ना ये कैलकुलेट करके फिगर बताइएगा फिगर कितनी बन रही है यही फिगर बन रही है सर 19667 यस सर ये 2009 के लिए है ये अब अगला साल शुरू हो गया 2010 ये ब्रॉड डाउन बैलेंस बच्चे क्या फिगर हो जाएगी 196667 फिर बच्चे यकम जनवरी को पैसे उसको मिल गए कितने पैसे मिल गए 3.8 मिलियन लेसर उसने 31 दिसंबर को रेंट इनकम रिकॉर्ड कर दी और वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे रिकॉर्ड करेगा 3803333 अब अगेन इसका कैरी डाउन बैलेंस बताइएगा बच्चे 19334
कैलकुलेट कीजिएगा सही तरीके से, गलती ना हो जाए। सर 19334 19334 334 19334 उसको फिर पैसे रिसीव हो गए 2011 के लिए। अब हम बना रहे हैं उसको बच्चे कितने पैसे मिले 6 10 है ना ये फिगर 610000। अब जरा देखिएगा रेंट इनकम 31 दिसंबर उसने रिकॉर्ड किया 3803333 राउंड ऑफ की वजह से 4 का फर्क आ जाएगा, 1 रुपए का फर्क आ जाएगा। अब मुझे बताइएगा यहाँ पे कैरिड ऑन बैलेंस जीरो नहीं हो गया? सर जीरो तो ये थर्ड ईयर के एंड पे आके ये बैलेंस जितना भी डिफरेंस आ रहा था वो खत्म हो जाएगा। ये पहले साल अराइज हुआ है, दूसरे साल भी रहा, तीसरे साल आके खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप अगर इस कैलकुलेशन को समझेंगे तो हमने टोटल रेंट इनकम 11410 इनकम रिकॉर्ड करनी है, लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन बेसिस पे 3 ईयर इस पे रिकॉर्ड करनी है, जबकि पैसे हमें इतने ही मिल रहे थे लेकिन वो डिफरेंट पैटर्न पे मिल रहे थे। जितने पैसे मिल रहे हैं रिकॉर्ड इनकम उतनी ही कर रहे हैं, लेकिन पैसे हमें हर साल डिफरेंट मिल रहे थे, इनकम हर साल हम सेम अमाउंट से रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली हर साल सेट ऑफ होता हुआ आखिरी जैसे ही लीज टर्म पूरी होगी एट द एंड ऑफ लीज टर्म ये बैलेंस हमारा जीरो हो जाएगा। अब बच्चे बात क्लियर हो गई आपको? जी जी बच्चे बात क्लियर हो गई है आपको? जी बच्चे इसके हलाल और हराम टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिपेंड करता है, उसकी बेस पे ये फैसला हो सकता है। अगर तो सिर्फ और सिर्फ रेंट पे ही लिया जा रहा है कि जी आप क्या करेंगे जितना एसेट इस्तेमाल करेंगे और उसके बदले में उसका रेंट पे कर देंगे तब तो ये बात ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई अगर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो फिर वो देखना पड़ेगा, उनकी बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, जैसे घर किराए पर ले लेना और उसके बदले में आप किराया देते जा रहे हैं, ये बात ठीक है। ठीक है, इसकी सिचुएशन में बच्चे आपने यूजफुल लाइफ को बेस बनाते हुए डेप्रिशिएट करना होता, क्योंकि लेसर ने जितने सालों तक इस एसेट को इस्तेमाल करना है वो उतने सालों को बेस बनाते हुए इस एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, और उसके लिए वही IAS 16 का कॉन्सेप्ट है, व्हेन द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज, चाहे उस एसेट को इस्तेमाल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, जब वो अवेलेबल फॉर यूज है उस दिन से उस पर डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी बच्चे, बात क्लियर हो गई आपको? जिस बच्चे ने सवाल पूछा था कि ठीक है जी बच्चे, जी बच्चे नहीं बच्चे ये लेजर आपने नहीं बनाना बच्चे, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन को मैं खत्म कर सकूं बच्चे। जी बच्चे मैंने अभी कंसोलिडेशन करवाया और उसके बाद मैं लीज करवा रहा हूं, अभी सिर्फ मेरा ये दूसरा टॉपिक चल रहा है। ठीक है जी, और बच्चे किसी बच्चे की कोई कंफ्यूजन हो गया जी बच्चे? क्लियर, ये अनअर्न्ड रेंटल का आपने लेजर एग्जाम में नहीं बनाना, एग्जामिनर जब आपसे पूछेगा तब आपने बनाना है, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बनाया बच्चे आपके सामने। ठीक है जी बच्चे। अच्छा बच्चे इसके अंदर बच्चे नोट बनता है, वो मैच्योरिटी एनालिसिस का सिर्फ नोट बनेगा। जी बच्चे मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया हुआ है इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, मैं इंशाल्लाह मिड ऑफ जून से कंसोलिडेशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अभी कुछ बच्चे आ भी रहे हैं और कुछ मेरी मसरूफियात भी हैं, तो मैं इंशाल्लाह मिड ऑफ जून से मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कंसोलिडेशन को प्रॉपरली स्टार्ट कर दूंगा, रिवाइज करवाना आप लोगों के साथ। ठीक है अच्छा बच्चे एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे? जी मैं उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास, वो रेगुलर क्लास में रिवाइज नहीं होगा, वो एक्स्ट्रा क्लास में रिवाइज होगा और आपके साथ म्यूचुअली एग्री कर लिया जाएगा, आप लोगों के लिए जो मेरे लिए और जो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल टाइम होगा हम उस पर डिसाइड कर लेंगे। इसकी जरिए मैच्योरिटी एनालिसिस,
अनडिस्काउंटेड कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस, ठीक है जी बच्चे, और वो लीज पेमेंट रुपीस। अब यहां पे बच्चे आप लोगों ने गलती नहीं करनी है, आप लोगों से गलती हो जाती है, आपने यहां पे लिखना है सबसे पहले नॉट लेस देन वन ईयर। लेट्स सपोज मैं ये बना रहा हूं 31 दिसंबर 2009 के एंड पे। अब आपने मुझे बताना है अगले साल भर में कितने पैसे रिसीव होने हैं लेसर, साल भर में लेसर को कितने पैसे रिसीव होने, ये आपके सामने क्वेश्चन है। शाबाश, देखें जितने पैसे रिसीव होने हैं वो फिगर लिखनी है, आपने अगर ये फिगर लिख दी ना तो एग्जामिनर आपके पूरे के पूरे नंबर काट लेगा, गलती हो जाएगी। आपने ये फिगर बतानी है और एक साल के बाद दो साल के अंदर अंदर कितने पैसे रिसीव करने हैं, वो 3.610। तो शाबाश, बिल्कुल सही आपने बताया, पहली फिगर है बच्चे 3800000। अब आगे आपने लिख देना है 1 to 2 year, क्या लिखना है बच्चे 1 to 2 year, एक से दो सालों में कितने पैसे 3610000। अब इसका सम कर देना बच्चे 1041 carry 7 7410, और उसके बाद बच्चे लेसर एंटर्ड इनटू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट विद द लेसी, ये बात लीज रेंटल रिसीवेबल इन एडवांस। बस यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई, आपने ये दो बातें लिखनी है इसके अंदर नरेशन, लेसर एंटर्ड इनटू अ लीज कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एन एसेट, जो भी मशीन है प्लांट है जो भी एसेट होगा उसका नाम लिख दीजिएगा, मैं लिख भी देता हूं। मुझे सर जी बच्चे सर ऊपर जो लाइन लिखी है नॉट लेस देन वन ईयर, ये लाइन ठीक है या लेस देन वन ईयर आना चाहिए था? हाँ, The company has entered ये नोट तो नहीं ना आएगा यहाँ पे, सिर्फ लेस देन वन ही आएगा, नहीं अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि सिमिलर अमाउंट नहीं है, अगर सेम अमाउंट होती तो हम लिख लेते। इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन है प्लांट है जो भी एसेट होगा उस एसेट का नाम लिख दीजिएगा। सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, मेरे से गलती हो गई थी, मैं माजरत खाऊं, लेस देन वन ईयर आना था, माजरत खाऊं बच्चे। अच्छा, द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू लीज इन रिस्पेक्ट ऑफ मशीन विद द लेसी, उसके बाद बच्चे यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई जी बच्चे, ये बातें आपने लिख देनी है, ये आपका यहाँ पे नोट मूव होगा। एक्सट्रैक्ट में बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं एक्सट्रैक्ट आपने बनाने हैं इसके, तो एक्सट्रैक्ट बताइएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट, एब्रीवेशन यूज कर रहा हूं आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट। अब आप लोग इस काबिल हो गए कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक्सट्रैक्ट बना रहा हूं। बताएं बच्चे इसमें आपने सबसे पहला काम क्या करना है, एसेट की फिगर लिखनी है, ये नॉन करंट एसेट है इसमें आपने एसेट की फिगर लिख देनी, ये भी हो गया बच्चे। अच्छा, इसके बाद बच्चे करंट एसेट में अगर रेंट रिसीवेबल की अमाउंट होगी तो वो आ जाएगा,
समटाइम हो सकता है रेंट रिसीवेबल आ जाए, और समटाइम ऐसा भी हो सकता है करंट लायबिलिटी में अनअर्नड या एडवांस रेंट की अमाउंट आ जाए। जो अमाउंट इस सिचुएशन में अगर आप मुझे कहें तो इस सिचुएशन में क्या है, एसेट की अमाउंट थी बचे 15 मिलियन, इसमें से बचे हम लेस करेंगे 2.5 मिलियन, तो ये फिगर है बच्चे 12.5 मिलियन। इस सिचुएशन में ये रेंट रिसीवेबल की अमाउंट नहीं है, अनअर्नड रेंट की अमाउंट बन रही थी, और वो क्या अमाउंट थी, 190333, यही फिगर थी बच्चे पहले साल के लेजर में, हमने ये फिगर कैलकुलेट 19666 है। अच्छा बच्चे नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, उसका एक्सट्रैक्ट बच्चे इसमें बच्चे सिर्फ रेंट इनकम की फिगर और डेप्रिसिएशन। रेंट इनकम बच्चे 3803333, डेप्रिसिएशन की बच्चे 2.5 मिलियन। जी बच्चे कोई प्रॉब्लम, किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, समझ आ गई आप लोगों को? आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी इसके नोट्स भी शेयर कर दिए, क्वेश्चंस भी शेयर, ठीक है ना? अब मैं आपको इसके होमवर्क के क्वेश्चंस बताऊंगा, आप लोगों ने इस क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करनी है। सर थोड़ा ऊपर कीजिएगा सर। सॉरी मुझे दोबारा बताइएगा सर, मैंने कहा थोड़ा ऊपर कीजिएगा, मैंने सेकंड शेयर लेना है। जी बच्चे ये ले समीउल्लाह। सर ये जो रेंट रिसीवेबल है इसकी अमाउंट कितनी आएगी ये बता दीजिए। नहीं, रेंट रिसीवेबल की अमाउंट इस सिचुएशन में नहीं बन रही, लेकिन किसी क्वेश्चन में हो सकती है। उसमें कैसे हो सकती है, मैं आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस कर देता हूं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। बच्चे ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन आपके सामने, आप एक काम कीजिएगा, ये मुझे पहले बताएंगे ऑपरेटिंग लीज है या नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं सॉल्व करूंगा, आप लोगों के सामने सिर्फ वैसे ही कर दूंगा। हफ्सा नूर बच्चे जरा तवज्जो कीजिएगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लीज 1 जुलाई 2009, एसेट की कॉस्ट 40 मिलियन, यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स, लीज टर्म है 3 ईयर्स। अच्छा अब इसमें क्या ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट मौजूद है, नहीं है। परचेज ऑप्शन है वो भी नहीं है। थर्ड वन बच्चे हम लोगों ने मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट 30% 75% से 30% है, बहुत लेस है। इसके अलावा बच्चे रेंटल बच्चे 5 मिलियन है, इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दे मैक्सिमम 50 मिलियन बनेगा, और 40 मिलियन फेयर वैल्यू एसेट, और 95% अप्रोक्सीमेटली फेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की फिगर फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट के इक्वल होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, वो भी नहीं है बच्चे। अच्छा बच्चे अब कंडीशन पूरी नहीं हो रही, और ना ही ये स्पेशलाइज्ड नेचर का एसेट है, तो ये तो ऑपरेटिंग लीज है ना, ये आपके सामने है। अच्छा अब इसके जरा रेंटल की अमाउंट में कैलकुलेट करने वाला बच्चे, ईयर 1 2 3 फर्स्ट ईयर रेंटल कितना पे करना है बच्चे, 5 मिलियन। सर ये सेमी एनुअल रेंटल्स हैं सर, तो ये 6 नहीं करेंगे हम? जी सेमी एनुअल है, ये तो बात मैंने पढ़ी नहीं, सेमी एनुअल है और इन एडवांस है, ठीक है जी बच्चे? जी बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये तो हमारे पास ईयर नहीं है, पीरियड बन जाएगा। इंस्टॉलमेंट नंबर कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 6 हो जाएंगे सर। अब ये देखिए मैं अभी आपको समझाने लगा हूं, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 3 इयर्स है,
और हर साल दो इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है, टोटल इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी बच्चे 6 इंस्टॉलमेंट। तो ये पीरियड लिख दें या यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स लिख दें। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 5 मिलियन की। अब आगे भी कंफ्यूज किया हुआ है, देखिए इंक्रीज 5% एनुअली, मैंने सिर्फ इतनी बात पढ़ी, इंक्रीज बाय 5% एनुअली, इसका मतलब है सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 5 मिलियन की ही है। अच्छा अब थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर की है, अब थर्ड इंस्टॉलमेंट आपने इंक्रीज करनी है 5 मिलियन को 5% से, 105% कर लें या 1.05 से, ये फिगर बच्चे क्या बन रही है बताइएगा मुझे। सर वो 5% एनुअली है तो सर ये सेमी एनुअल हम पेमेंट कर रहे हैं। 5% एनुअली है ना, एक साल के बाद इसकी 5% इंक्रीज होगी। तो पहले साल मैंने वो 5 मिलियन, फिर 5 मिलियन, जब सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर 5% इंक्रीज हो जाएगी बच्चे। 5.25 मिलियन। अच्छा बच्चे अब नेक्स्ट, फिफ्थ इंस्टॉलमेंट और सिक्स्थ इंस्टॉलमेंट। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में बच्चे 5250 इनटू 1.05, ये 5512500, यही फिगर बता रहे हैं मुझे आप सर? 00। सॉरी एक मिनट ठहरिएगा, ये बच्चे फिगर, ये थर्ड। अब बच्चे आपने इसका टोटल करना, थ्री वन फाइव टू सर, 3-1। ये बच्चे, और आपने इनकम को स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैलकुलेट करना है बच्चे, बताइएगा 31525000, इसको बच्चे डिवाइड करना है 6 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। अब आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड कर देना, ताकि पर इंस्टॉलमेंट आपकी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे कैलकुलेट हो जाए। बताइएगा बच्चे क्या फिगर बन गई? जी बच्चे 5254167167। ठीक हो गया, अब समझा। अब बच्चे आपने फर्स्ट ईयर एंट्री, वो एसेट के खरीदने की एंट्री तो आप पोस्ट कर लेंगे, अब जरा गौर कीजिएगा, 1 जुलाई जो भी डेट है फर्स्ट ईयर में कह देता हूं बच्चे। अब देखें आपको बैंक में पैसे रिसीव हो गए, कितने पैसे रिसीव हुए? 5254167। इतने पैसे मिले, या मैं गलती कर गया हूं कुछ, या मैंने गलत एंट्री पोस्ट कर दिया, मुझे बताइएगा। 5 मिलियन मिलेगा सर। जी अभी आप देखिएगा, अभी मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना था आप लोगों ने पिक भी कर लिया है, आपने कहा बैंक में तो पैसे 5 मिलियन ही आ रहे हैं, शाबाश। अच्छा बच्चे क्रेडिट किसे करेंगे? अर्न्ड रेंट इनकम को सर। अच्छा आप जरा देखना, गौर से सुननी है मेरी बात, 5 मिलियन तवज्जो चाहिए मुझे आप लोगों की ये क्वेश्चन में, अगर आप लोगों ने कर लिया तो फिर पास पेपर का क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, जो काफी मुश्किल क्वेश्चन है पास पेपर का। अच्छा बच्चे अब पूरा साल भर नहीं, अब हमें 31 दिसंबर पे एंट्री पोस्ट करनी है, 31 दिसंबर 2001। अनअर्न्ड रेंट को बच्चे डेबिट करना है, कितने से बच्चे? 5 मिलियन। अच्छा रेंट इनकम कितनी अमाउंट से है?
अभी आपने मुझे कैलकुलेट करके बताई है सर, 5254167। अब मुझे बताएं डिफरेंस अमाउंट समीउल्ला कहां हम रिकॉर्ड करेंगे। शाबाश, अब हम रिकॉर्ड करेंगे रेंट रिसीवेबल। अब वो कितनी अमाउंट है, 254167। इस केस में एनालिसिस क्या होगा, ये बचे हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हुई, एसेट इंक्रीज हो गया और ये हमारी इनकम बन गई। तो अब देखें इस सिचुएशन में रेंट रिसीवेबल की अमाउंट रिपोर्ट होगी स्टेट क्लोजिंग डेट में, रिपोर्टिंग डेट में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में रेंट रिसीवेबल की अमाउंट 254167 से रिकॉर्ड हो रही होगी, रिपोर्ट हो रही होगी। तो अब ये जरूरी नहीं है, या तो रेंट रिसीवेबल की अमाउंट या बचे अनअर्न रेंट की अमाउंट या एडवांस रेंट की अमाउंट, इन दोनों में से कोई एक अमाउंट रिकॉर्ड हो रही होगी, दोनों इकट्ठी नहीं आएंगी, ठीक है ना। या तो अनअर्न की अमाउंट होगी या बचे रेंट रिसीवेबल की, दोनों में से कोई एक। जी बच्चे, सर इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने पैसे लिए हैं वो कम है लेकिन जो हमारी इनकम बनती है वो ज्यादा है। ज्यादा है, हमें पैसे कम मिले हैं क्योंकि ये इंक्रीज बाय का केस है ना, इंक्रीज बाय के केस में रेंट रिसीवेबल की अमाउंट बन जाती है, और अगर केस होता डिक्रीज बाय का तो उसमें अनअर्न रेंट की अमाउंट बनती है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक और कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो सकती है, एंड और एडवांस, तो उसको भी आपने कंसिडर करना है। जब मैं से अगली क्लास में क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कल हमें पास्ट पेपर के दो क्वेश्चन करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन लेवल क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन लेवल क्वेश्चन। रिवीजन लेवल क्वेश्चन जब मैं बोल रहा होता हूँ ना वर्ड, इसका मतलब है ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन कि जब आपने एग्जाम में एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, आपने वो क्वेश्चन लाजमी करके जाना है, अटेम्प्ट लाजमी करना है वो क्वेश्चन। तो ये याद रखिएगा, मैं जस्ट बिफोर एग्जाम्स, जब आप लोगों के पास आपकी आपने प्रैक्टिस करनी शुरू कर देनी है, आप लोगों अपनी सेल्फ स्टडी करनी शुरू करनी है, तो मैं आप लोगों को एक पेज प्रोवाइड करूंगा जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस मैं लिख के दूंगा, मेंशन करके दूंगा, ये रिवीजन लेवल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को तो लाजमी करके जाना है आपने जस्ट बिफोर एग्जाम्स, ठीक है ना बच्चे। तो ये आप लोगों ने साथ साथ नोट भी करते जाना है, और एट द एंड में इंशाल्लाह आप लोगों को नोट भी करवा दूंगा और पेज भी प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ तक बच्चे बात क्लियर हो गई। चले जी बच्चे, अपना यहाँ तक अब आप लोगों ने नोट कर लेना है, ये आपने जो मैंने आपको काम करवा दिया आप लोगों ने नोट भी कर लिया। अब मैं आपको होमवर्क में मेंशन करने लगा, पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा सर आज, और कल मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दो क्वेश्चंस पास पेपर्स के सॉल्व करवाऊंगा, और अगर हमें कल वक्त मिल गया तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह दो पास पेपर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यूज भी करेंगे। जी बच्चे, कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं, कल क्लास है बच्चे हमारी, 10 मिलियन रिसीव नहीं होगा इस, एक मिनट बच्चे, बच्चे हमने ये 6 मंथ्स की एंट्रीज पोस्ट की है, मैंने बाकी एंट्रीज पोस्ट नहीं की, ये 6 मंथ्स की है। देखिए 1 जुलाई 1 से 31 दिसंबर 1 तक, तो मैंने अभी 6 मंथ्स की एंट्री पोस्ट की है, अगले 6 मंथ की 30 जून में एंट्री पोस्ट होगी। बच्चे बात समझा पाया हूँ आपको, यकम जुलाई जो भी डेट वो मेंशन कर देगा एग्जामिनर, ठीक है, समझ आ गई बच्चे बात की आपको। बाकी सर कल संडे की क्लास हो गई, इसके बाद यकम जनवरी जो आपकी अगली एंट्री होगी वो यकम जनवरी पे होगी, वो आपको बैंक में पैसे रिसीव होंगे, और फिर 30 जून 2001 पे आपका ईयर क्लोज हो जाएगा, वो क्लोजिंग एंट्री हो जाएगी, और फिर 1 जुलाई पे फिर आपको बैंक में पैसे रिसीव हो जाएंगे। तो बच्चे मैंने आपके साथ ना शेयर भी, जी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा बच्चे, ये सेव करके पीडीएफ शेयर कर, बिल्कुल भी परेशान ना हो। आप लोगों के साथ मैंने सोल्यूशन भी शेयर किया, हमें ये क्वेश्चन आपने पूरा फुल फ्लेज सॉल्व करके सोल्यूशन के साथ कंपेयर करना है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से आप डिस्कस जरूर कीजिए, ठीक है। कल की क्लास का टाइम बताइएगा बच्चे, कल मेरी कोई क्लास नहीं है सवाई आप लोगों के साथ, सुबह 8 बजे क्लास कर लें, 8 से कब तक सर? सर यही टाइम रहने दें सर, कल संडे है तो सर वो सोना भी होता है सर।
संडे है तो फिर उसमें ये होगा ना बच्चे कि हमारे लिए पूरा दिन, जैसे मेरे लिए है कि मैंने बाकी काम भी करने होते हैं, तो चलो मैं थोड़ा सा ये है कि बाद में मैं अपने काम कर लूंगा, चलें सर तो ठीक है, 8 बजे कर लें। थोड़ा सा अगर आप कहते हैं तो 9 बजे कर लेते हैं, लेकिन 9 बजे से लेट करना वो फिर ज्यादा खराब हो जाएगा। सर तो अगर आठ आप ही ठीक कहते हैं रहेगा। तो 9 बजे रख लेते हैं, नौ सर बजे वो से 11 बजे तक। सर 10 बजे एक और क्लास है R1 की कल। अच्छा, R1 की क्लास है, ठीक है जी, 8 से 10 हमारी क्लास होगी कल इंशाल्लाह। कल इंशाल्लाह हमारी क्लास बच्चे 8 बजे से 10 बजे तक होगी। तो आप लोगों ने याद से कल शिराज बच्चे इंशाल्लाह जी, शेराज बच्चे इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह, R2 की अपना क्लास। ख्याल रखिएगा जी बच्चे। सर मैंने कहा R2 की क्लास होगी 8 से 10 बजे। जी R2 की क्लास है, क्योंकि कल ऑडिट की क्लास बच्चों ने नहीं रखने दी, तो कल सिर्फ R2 की क्लास है हमारी 8 बजे से 10 बजे के दरम्यान में इंशाल्लाह होगी। सर FAR2 के ख्याल बच्चों की रखिए। भी सुन लिया करें सर। नहीं, आप लोगों का सिलेबस जो है वो काफी पीछे है, कुछ वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, आपको पता है वो पेस इतनी ज्यादा नहीं बन रही, और कुछ बच्चे नए भी आ गए थे उस वजह से मुझे और बहुत ज्यादा स्पीड अपनी स्लो करनी पड़ गई, ठीक है ना, तो इस वजह से आपका सिलेबस काफी पीछे है। ठीक है, जजाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।